हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, द लेंथीएस्ट डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ओके ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। लेंथी डेरिवेशन है बट नॉट डिफिकल्ट। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। टू द पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, कि सर्कुलर कॉइल के, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास फिलहाल एक ही लॉ है, व्हाट वी हैव स्टडीड इज बायोट एंड सर्वेंट लॉ, एंड दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर 3। पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर निकाला, फिर आर्क निकाला, अब हम सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। एक सर्कुलर कॉइल ले लेता हूं इन एक्स वाई प्लेन। आई एम गोइंग टू कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल इन एक्स वाई प्लेन। तो थोड़ा फील करो, थोड़ा इमेजिन करो। ओके, ये एक सर्कुलर कॉइल, ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। दिस वन इज जेड एक्सिस। तो जो सर्कुलर कॉइल है, जो कॉइल है, वो कॉइल को मैंने एक्स वाई प्लेन में रखा है ऐसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कॉइल को मैंने एक्स वाई प्लेन में रखा और ये जेड एक्सिस है। तो कॉइल को बच्चा मैंने सबसे पहला चीज मैंने उसको एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एक्सिस का मतलब क्या है? एनी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, एनी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द कॉइल इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो एक्सिस कौन बन गया? ये जेड एक्सिस की, इस कॉइल की एक्सिस बन गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये कॉइल की एक्सिस है और ये जेड एक्सिस भी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये जो जेड एक्सिस है वही एक्सिस है कॉइल की। कोई भी कॉइल ले लो, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस कॉइल, तो यहां से जो लाइन पास होगी फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर, उसको हम एक्सिस बोलेंगे। तो लेट मी कंसिडर एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस। Let us say this is point P on the axis at a distance Z from the origin, from the center. Center और origin coincide हो रहा है, ऐसे सोच लेते हैं। X, Y, Z axis जहां पे मिलेंगे वो origin रहता है, जो origin है वही center है, और ये point P है जहां पे मुझे magnetic field find करनी है। Okay, aim समझ में आ रहा है। तो circular coil को मैंने कहां पे रखा है? XY plane प्लेन में। कॉइल की एक्सिस Z axis है, तो कोई भी एक पॉइंट पी ले लो, एनी पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर। ओके, मुझे यहां पे क्या फाइंड करना है? दिस एट अ डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कॉइल का रेडियस आर ले लो। ओके, सबसे पहला चीज आई एम गोइंग टू यूज बायोट एंड सर्वेंट लॉ। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड करना है तो मैं बायोट एंड सर्वेंट लॉ से यूज कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं, बराबर है? नहीं, दूसरा कोई लॉ मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। तो बायोट एंड सर्वेंट लॉ के लिए मैंने एक करंट एलिमेंट लिया, ओके, और इसका लेंथ है डीएल वेक्टर, बराबर है? नहीं, और करंट सोचो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये करंट है। तो ये करंट एलिमेंट है, बात समझ में आ रहा है? ये करंट एलिमेंट है डीएल वेक्टर, मैंने एरो ड्रॉ कर दिया। तो बायोट एंड सर्वेंट लॉ जब भी आपको यूज करना है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग बायोट एंड सर्वेंट लॉ, यू नो इट इज नेवर एप्लीकेबल फॉर अ कंप्लीट कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के लिए यूज नहीं होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, राइट? और उस स्मॉल पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? एलिमेंट। क्या बोलता हूं मैं? एलिमेंट। तो ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट के वजह से यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो अपन फाइंड कर लेंगे,
ओके, तो एलिमेंट और इस पॉइंट में डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर. ओके, एलिमेंट और इस पॉइंट में डिस्टेंस कितना ले लिया? आर. और ये जो एंगल है, ये एंगल अपन ले लेते थीटा. ठीक है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आर, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में एंगल थीटा बन रहा है. ओके, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर. ओके, इस आर और इस आर वेक्टर में एंगल थीटा बन रहा है. लेट नाइन आर वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर. इन दिस केस अगर ये आर वेक्टर देखोगे और ये डीएल वेक्टर देखोगे तो दे आर परपेंडिकुलर. ओके, टेंजेंट, और उस पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री बनेगा. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट पे जो बनेगा उसका फॉर्मूला आएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आईडीएल साइन 90, क्योंकि आर और डीएल में एंगल 90 बन रहा है, अपॉन आर स्क्वायर. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो मैंने एक करंट एलिमेंट ले लिया और ये करंट एलिमेंट इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो फाइंड किया. ये करंट एलिमेंट इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैंने बायोटेन सर्वेंट लॉ लगाया. बायोटेन सर्वेंट लॉ लगाने से पहले ऑलवेज आर और डीएल के बीच में का एंगल देखना पड़ता है जो कि 90 डिग्री है. ओके, तो मेरे को ये आंसर मिल गया. इज इट क्लियर? सो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बन रहा है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बन रहा है. ओके, और कौन बना रहा है? डीएल वेक्टर बना रहा है. इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? तो डायरेक्शन हमने डीबी वेक्टर, अगर ये वेक्टर में देखोगे फॉर्मूला तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी डीबी वेक्टर का डायरेक्शन. डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन आएगा. तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अगर मैं करता हूं, डीएल से आर में अगर मैं उंगली घुमाता हूं तो ये अंगूठा इस तरफ जाता है, तो ये डायरेक्शन आर को नो डाउट परपेंडिकुलर रहेगा. ये डायरेक्शन डीबी वेक्टर का, ये डायरेक्शन डीबी वेक्टर का. बात समझ में आ रहा है? सो ये डीएल वेक्टर ने यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और डीएल वेक्टर ने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसका डायरेक्शन देखो क्या है. ओके, इट इज डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा. कोई डाउट? देख लो अच्छे से. ओके, समझ लो यहां तक. सर्कुलर कॉइल है, कहां पे रखा है? एक्स वाई प्लेन में. मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फाइंड करना है? एक्सिस पे, एक्सिस पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. तो आप समझ लो आपकी जो कॉइल है, सपोज ये सर्कुलर कॉइल है, ये कॉइल ऐसी है और सेंटर से जो पास होने वाली जो एक्सिस है जेड एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है और इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि जेड डिस्टेंस है. मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अभी तक आपके पास एक ही लॉ है, दैट इज बायोटेन सर्वेंट लॉ. It is never applicable for a complete conductor. It is only applicable for a small part of conductor. बराबर है? It is never applicable for a complete conductor. It is only applicable for a small part of a conductor. तो मैंने conductor का एक छोटा सा part ले लिया, element, dl vector यहाँ पे. और ये यहाँ पे P के साथ, okay? ये यहाँ पे P पे कितना magnetic field बनाता है? उसका हमने Bayer-Dole Sorvet law से angle निकाला, find किया, value find किया, okay? ये मैग्नेटिक फील्ड मिला, डायरेक्शन भी उसका मिल गया. डायरेक्शन इज डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा. तो मैंने देखा ये डीएल है, ये आर है, मैंने उंगलियां घुमाई, डायरेक्शन आ गया परपेंडिकुलर. ओके, अब मैं इसको रिजॉल्व करता हूं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में. इसको रिजॉल्व किया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में. अभी थोड़ा मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या. यहां पे एक्सप्लेन करता हूं,
ये कॉइल ऐसे इमेजिन करो, हाँ ये कॉइल है, ये ऐसी कॉइल है, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये जेड हो गया, ओके, और ये तेरा आर है, ठीक है, कॉइल, ये तेरा क्या हो गया, दिस इज योर आर, बराबर है, रेडियस, ये ऐसी कॉइल जा रही है ऐसे, इमेजिन करो, ये तेरा हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज योर, दिस इज योर जेड, और ये वाला जो चीज है, ये वाला जो एंगल है, वो एंगल है आर, तो इसमें और इसमें एंगल कितना बना है, कितना बना है, 90 डिग्री, ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको सीधा करके बताता हूं कैसे दिखेगा ये, ये आर है, ओके, ये ऐसे कॉइल है, यहां पे ये ऐसी कॉइल है, ये आर है, ये जेड है, अगर ये एलिमेंट लिया तो ये आर वेक्टर है, और ये एंगल मैंने थीटा लिया, अभी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ ऐसे बना, ये डीबी हो गया, इसको मैंने रिजॉल्व किया, अब मजा देख क्या, अगर ये थीटा है और ये 90 है ना, ये 90 है, समझ में आ रहा है, ये 90 है, अभी ये आपको समझ में आ गया कि ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बराबर है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, बात समझ में आ रहा है, देखो सिंपल है, ये ट्राइंगल है, आपके अंडरस्टैंडिंग में 90 है, सपोज ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, इसको रिजॉल्व किया, अभी ये 60 है तो साला ये 30 हो गया ना, और ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, और अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया, तो ये जो एंगल वो इधर है, मतलब ये जो एंगल थीटा है वो इधर एंगल थीटा, बात समझ आ रहा है, ये एंगल थीटा जो है वो यहां पे आ गया, तो ये हो गया डीबी कॉस थीटा, क्या हो गया, डीबी कॉस थीटा, इज इट क्लियर, और ये जो हो गया वो हो गया डीबी साइन थीटा, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया, ये डीबी वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया, ये डीबी साइन थीटा और ये डीबी कॉस थीटा, और मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि ये थीटा है तो ये थीटा कैसे बनता है, सिंपल ज्योमेट्री है, ओके, यहां तक समझ में आ रहा है, अब मैं इसमें एक नया चीज ऐड अप कर रहा हूं, एकदम सिंपल, अभी इसका ये जो एलिमेंट है इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लेते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लेते हैं, ओके, डीएल वेक्टर, और ये अभी तेरा आर वेक्टर हो जाएगा ना, ओके, ये तेरा आर वेक्टर हो जाएगा, अभी थ्री डायमेंशनली थोड़ा सोचो, ये थ्री डायमेंशनल है, मैं जानबूझ के ब्लू से करके दे रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आर वेक्टर हो गया, पॉइंट से देखो, एक सर्कल पे बाहर से पॉइंट से जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो सारे इक्वल होते हैं, और दो ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट है वो इक्वल रहेंगे, तो यहां से यहां तक ये आर है, तो ये भी आर है, तो ये वाला एलिमेंट भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सिंपल है ना बॉस, ये वाला एलिमेंट भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जैसे इसने एलिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाया, तो ये वाला एलिमेंट भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है ना, ऐसे घुमाऊंगा डीएल से आर, ठीक है, तो ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये डीबी वेक्टर ऐसे हो गया, गारंटेडली ये थीटा बन जाएगा, तो इसको मैं रिजॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा और ये डीबी साइन थीटा, अभी बात को समझ में आ रहा है, ये जो एलिमेंट है इसने ये डीबी बनाया, ये जो एलिमेंट है इसने ये डीबी बनाया,
समझा, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ओके, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसने ऐसे एलिमेंट बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। ये दोनों का कॉस है डीबी कॉस थीटा, और इसका ये डीबी साइन थीटा हो गया, और ये इसका डीबी साइन थीटा हो गया। तो डीबी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, मतलब ये दोनों इक्वल, अभी इस पॉइंट पे सोचते हैं ये दोनों डीबी साइन थीटा इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। डीबी कॉस थीटा दोनों का एक ही डायरेक्शन में, डीबी कॉस थीटा इसने जो बनाया वो ऊपर की तरफ है, इसने जो बनाया वो ऊपर की तरफ है, तो डीबी कॉस थीटा थोड़ी कैंसिल होएगा, पर डीबी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हेन डीबी साइन थीटा विल गेट कैंसिल, तो ओनली डीबी कॉस थीटा इज लेफ्ट। जैसे ये दो एलिमेंट लिया, तो ऐसे कॉइल को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया हुआ है, तो उसके बाजू वाला और उसके ये वाला, ये वाला भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, मतलब हर एलिमेंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, हर एलिमेंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, हर एलिमेंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो सारे एलिमेंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, और सबके साइन क्या होने वाले, कैंसिल होने वाले, सबके साइन यहां पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पे बचेगा सिर्फ कॉस कंपोनेंट। तो यहां पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। ये पॉइंट सिर्फ अपने को समझना था कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ डीबी कॉस थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये चीज है ना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, डायरेक्ट दिया हुआ है, ओके, बट आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कि कैसे आने वाला है। सबसे पहले एक एलिमेंट लिया, इसने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया डीबी, उसके बारे में बताया, डायरेक्शन बताया, वैल्यू बताया, ये समझ गया। एक एलिमेंट लिया डीबी, उसने अपने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दूसरा उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट लिया, उसने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो एक ने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एक ने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अभी ऐड कैसे करेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, तो मैंने इसको रिजॉल्व किया और इसको भी रिजॉल्व किया, तो समझ गया भाई दोनों का साइन कैंसिल हो गया, और दोनों का अगर साइन कैंसिल हो गया तो दोनों का कॉस बच गया। तो ऐसे सारे एलिमेंट, सारे इसके बाजू 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 में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, सबके साइन कैंसिल हो रहे हैं, बचेगा कॉस। तो यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इट इज बिकॉज ऑफ डीबी कॉस थीटा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डीबी, इट इज बिकॉज ऑफ डीबी कॉस थीटा। ये पॉइंट से आपने को समझना है, बाकी पूरा मैथमेटिकल इसके आगे का बहुत चिंदी है, सिर्फ ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है, कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डीबी, इट इज बिकॉज ऑफ डीबी कॉस थीटा, क्योंकि सबके साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, किसी भी एलिमेंट का साइन कंपोनेंट उसके अपोजिट एलिमेंट के साथ कैंसिल होने वाला है, कोई भी ले लो, सबके साथ होने वाला, सबके साथ होने वाला। थोड़ा इमेजिन कर, थोड़ा फील कर, तब समझ में आएगा कि कॉइल, सब लोगों ने अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बनाया, ऐसे बनाया। डू यू अंडरस्टैंड, एक फूल बनता ना फूल, अभी इधर ऐसे सब लोगों ने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये सबके साइन है ऐसे, और ये सबके कॉस है ऊपर की तरफ, तो सबके साइन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बच गए सबके सिर्फ कॉस, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अभी डीबी का वैल्यू अपने को पता है, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी, राइट, तो वो डीबी का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर कॉस थीटा, इंटीग्रेशन है। पहला कॉस थीटा के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा लगाओ कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंस कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, चेक करो ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर बच्चा बी मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के बदले आर बाय आर, बराबर है, परफेक्ट। तो अभी बी इज इक्वल टू
हमें क्या मिलेगा इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, चलो आर स्क्वायर बाय आर, तो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। तो यहां तक मुझे मिल गया है इजी, डीबी कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट के आर बाय आर एंड आई गॉट दिस। ठीक है, थोड़ा जगह का कमी है तो हम थोड़ा इसमें यहां पे ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कॉस थीटा का वैल्यू आर बाय आर, तो ये फॉर्मूला बनेगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल आर बाय आर क्यूब सिंस कॉस थीटा इज आर बाय आर। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह बचा लिया क्योंकि डेरिवेशन बढ़ा है। ओके इजी, अभी इसके आगे हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे विल चेक इट आउट कि इसका इंटीग्रेशन यहां तक आई होप आपको समझे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबका डीबी कॉस थीटा बचता है डीबी साइन थीटा कैंसिल होता है, तो सारे एलिमेंट को मैं ऐड करूंगा मतलब इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे कॉइल का मिलेगा, सारे एलिमेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे कॉइल का मिलेगा, तो पूरे कॉइल का फाइंड करने के लिए मैंने ये किया। ठीक है, अभी इसके आगे इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं। नाउ कॉन्स्टेंट यहां से बाहर आ जाएंगे, अभी स्मॉल आर क्या देख लो, स्मॉल आर जो है अगर यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलेगा रेस टू वन बाय टू रूट, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो बी का वैल्यू आएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आई म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आई इंटू कैपिटल आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू थ्री बाय टू हो जाएगा, ये आर क्यूब है उधर ये वैल्यू डालोगे तो थ्री बाय टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन किसको आप लगेगा डीएल को, तो मैंने स्मॉल आर का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, स्मॉल आर क्या है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर क्यूब था और ये वन बाय टू है तो आर रेस टू थ्री बाय टू हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा डीएल को मतलब मैं सारे एलिमेंट को एड कर रहा हूं, और अगर मैं सारे डीएल को ऐसे ऐड करते बेटा करते बेटा करते बेटा करते बेटा करते बेटा तो मुझे मिलेगा 2 पाई आर सरकमफेरेंस मिलेगा, यस और नो, सारे एलिमेंट्स डीएल को अगर मैं ऐड करते जाऊंगा तो मुझे सरकमफेरेंस मिलेगा दैट इज 2 पाई आर, ये पाई और पाई कैंसिल 2 वन जा 2 टू जा, तो फॉर्मूला है म्यू जीरो आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू 3 बाय 2। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला, अगर कॉइल में एन टर्न्स है, फॉर एन टर्न्स अगर कॉइल में से बहुत सारे टर्न्स है तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वेयर अपॉन टू आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू 3/2। ठीक है, सो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया एक्चुअल पॉइंट का, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सिस्टमैटिकली पहला डायग्राम को समझना है, बायोटेन सर्वेंट लॉ यूज करने के लिए करंट एलिमेंट का यूज करते हैं, पर यहां पे दो करंट एलिमेंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट जब हम यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि साइन कैंसिल होकर कॉस बचता है, फिर एक बार इंटीग्रेशन चालू हो गया तो ये सिंपल काम है। अगर मेरे को सेंटर ऑफ कॉइल पे जाना है, अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ कॉइल पे होता तो जेड की वैल्यू कितनी डालोगे, जीरो। अगर ये पॉइंट पी सेंटर ऑफ कॉइल ले लिया, पॉइंट पी अगर सेंटर पे ले लिया, पॉइंट पी तो गायब ही है, पी तो गायब ही हो गया, पर पी अगर सेंटर पे लोगे तो जेड जीरो हो जाएगा, और अगर जेड जीरो हो जाएगा तो बी का फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब बचेगा क्योंकि ये जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू ओके रेस टू 3/2 क्योंकि जेड का स्क्वायर ना, जेड तो जीरो हो गया क्योंकि तू कॉइल के सेंटर पे डाला गया, तो जेड जीरो हो गया, जेड जीरो हो गया तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 क्या बनेगा, आर क्यूब। ये तो सिंपल है, आर स्क्वायर रेस टू 3/2 करोगे तो आर क्यूब बचेगा, है कि नहीं। अभी ऊपर दो आर है नीचे तीन आर है तो गारंटेडली कैंसिल हो जाएगा ऊपर के दो आर नीचे के साथ, और हमें फॉर्मूला मिलेगा म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर, और यही तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सर्कुलर आर्क वाले फॉर्मूला से। ये किसका फॉर्मूला है, सर्कुलर कॉइल का एट द सेंटर, और ये किसका फॉर्मूला है, एक्सिस का। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है,
कॉन्सेप्चुअली आपको समझो तो आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी इसके डिफिकल्ट बनेंगे, देखो लॉग कैलकुलेशन कितना बनेगा इसमें, ठीक है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। फॉर्मूला याद रखो, मैग्नेट सर्कुलर कॉइल अपने एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो दो फॉर्मूले सर्कुलर कॉइल के, एक एक्सिस वाला फॉर्मूला, एक सेंटर वाला फॉर्मूला, ठीक है। आई होप दिस डेरिवेशन इज इजी फॉर यू। ओके, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, मैंने कितने बार में इसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, थ्री डायमेंशनल होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। ओके, मेन चीज तो आप याद रखो, बायोटिन सर्वेंट लॉ लगाने के बाद एलिमेंट लिया, उसका अपोजिट एलिमेंट लिया और उन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेक किए और तब समझा कि उनके साइन कैंसिल होते हैं और कॉस बचते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कॉस के वजह से। एक बार इधर पहुंच गए, ये वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस थीटा डाल दो। ओके, कॉस थीटा अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा दिया, कॉस थीटा का फॉर्मूला स्मॉल आर पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, बस इंटीग्रेशन किया। तो ये कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट है, सिर्फ ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। 5-6 बार लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेंथी डेरिवेशन है, सारे डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे, मैंने तो आपको सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स बताया, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे दिया उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, समझ लो एंड फिर 5-6 बार लिख के लर्न करना, और ये दोनों भी फॉर्मूले बाय हार्ट जबान पे रखना, ये एक्सिस वाला फॉर्मूला है और ये सेंटर का फॉर्मूला है कॉल सर्कुलर कॉइल के, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट, जस्ट बाय दिस वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस डेरिवेशन, अच्छे से पहले प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।